अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एयरटेल एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर में किस तरीके से लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर जो है इस तरीके से नज़र आ रहा है, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आने के बाद में ये जो आपको सर्च बार नज़र आ रहा है, इसके अंदर में आपको सिंपली सर्च कर लेना है एयरटेल एयरटेल ऐप। ठीक है, जैसे एयरटेल आप टाइप कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा एयरटेल थैंक्स। तो सिंपली आप एयरटेल ऐप सर्च कीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। इंस्टॉल का बटन है, यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक कीजिए। अभी ये डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलिंग। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में आपको इसे ओपन करना है। अभी ये एयरटेल एप्लीकेशन जो है एयरटेल थैंक्स ऐप, ये इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आपके होम पेज पर आपको नज़र आ रहा होगा कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से एयरटेल वाला जो एप्लीकेशन है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आप अपने वाला मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए जिसके ऊपर में आपका एयरटेल पेमेंट्स अकाउंट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट। आप इसको अलाउ कीजिए, यहाँ पे भी इसको अलाउ कीजिए, यहाँ पे वो नंबर इंटर कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे वो नंबर इंटर कर दिया। उसके बाद में आपको सिंपली सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अगर इसी फ़ोन में अगर आपका सिम लगा होगा जिससे आप बना रहे हैं जिस मोबाइल से, तो ओटीपी अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। अगर किसी और फ़ोन में है तो ओटीपी आपको इंटर करना होगा। इसके बाद में अगर आपके इंटरेस्ट पूछते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोट नाउ। मैंने नोट नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट्स का जो है वो अलाउ कर दीजिए। आप यहाँ पे मैसेजेस के लिए भी आप अलाउ कर दीजिए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। आपको नीचे में, आपको सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सर्विसेज, बैंकिंग, शॉप, डिस्कवर, मोर। सिंपली आपको क्या करना है, बैंकिंग पे आपको क्लिक करना है। बैंकिंग ऐप क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आएगा व्यू प्रोफाइल। आप यहाँ सब अपने डिटेल्स को जो है देख सकते हैं। ये आपके अकाउंट के डिटेल्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इसके अंदर में लॉग इन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हैं, यानी अगर पासवर्ड भूल चुके तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं।